थाना अंतर्गत जैसवाल बस्ती में दो महिलाएं अवैध शराब बनाती हुई पकड़ी गईं। अवैध शराब बाहर से नहीं ला सकते, लेकिन घर पर तो बना सकते हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में लाहन शराब बनाने वाले बर्तन बरामद किए। अवैध शराब बाहर से नहीं ला सकते, लेकिन हम घर पे तो बना ही सकते हैं। नई गढ़ी की जैसवाल बस्ती में अवैध शराब बनाकर बिक्री करने वाली दो महिला आरोपियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई। 100 किलो लाहन, 52 लीटर शराब सहित बर्तन बरामद। पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और सफलता जुड़ गई। इस बार शराब बनाने वाली जगह पर पुलिस का छापा। भारी मात्रा में निर्माण और बिक्री के लिए रखी शराब व मटेरियल हुआ बरामद। दो महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। नईगढ़ पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में महुआ लाहन नष्ट कर आबकारी एक्ट के तहत की कार्रवाई। थाना प्रभारी नईगढ़ी जगदीश सिंह ठाकुर ने अपनी टीम के साथ नईगढ़ी कस्बे के ही जैसवाल बस्ती में आरोपियों के घर पर दबिश दी। वहां से उसे 26 लीटर अवैध महुआ शराब, कुल 52 लीटर महुआ शराब बनी हुई जब्त करने में कामयाबी मिली। आबकारी एक्ट के तहत की गई है यह कार्रवाई। अभी जो ये नशा मुक्ति का जो एक अभियान चल रहा है, उसी क्रम में एक कार्रवाई थाना सुहागी में हुई है। थाना सुहागी पुलिस ने गंतीरा गांव में एक समरजीत जो है वो अवैध शराब का जो है काम करते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और ज़मीन के अंदर से शराब जो है जब्त की गई। वो शराब लगभग 2.5 क्विंटल के आसपास लाहन है और करीब 40 लीटर शराब है। ज़मीन के अंदर छुपा के रखे थे, कैसे सूचना मिली किसके? ये पुलिस की अपनी सूचना है, उसको बताना यहाँ उचित नहीं होगा। पुलिस को ये जानकारी उनके सूत्रों से मिली थी स्थानीय थाना के, उस पर कार्रवाई की गई थी।